तो जैसे मैं वहां पर जाता हूँ, और भाई क्या बोल रहे हैं सेंसर का कितने, मेरे को लाके बोल रहा है उनके मैकेनिक से करके, बोल रहे कि इसमें क्लासिक का नहीं लगता, इसका स्पेशल स्टैंडर्ड का मंगवाना पड़ेगा। तो गाइस पूरा मैटर ये है कि हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो भाई कैसे हो आप सब? भाई आप सब अच्छे होंगे। तो आज भाई क्या बताओ भाई, यार आज दोबारा से इसके सर्विस सेंटर जा रहे हैं। मेरे को ये समझ नहीं आता, पता नहीं क्या काम करते हैं बंदे। ये पहले हो गया था भाई, मतलब जब सर्विस कराए थे उसके, जब लॉकडाउन चल ही रहा था, तो फिर एकदम से तगड़ा वाला लॉकडाउन लग गया, तो भाई निकल नहीं पाए। पर मैंने उनसे बात की थी, वो कह रहे थे कि भाई आ जाना, तो आज मैंने फ़ोन किया तो वो कह रहे आ जाओ। तो भाई इसकी ये प्रॉब्लम थी यार, इस सेंसर की, इसकी तो सभी दिखाता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम थी। इसके सेंसर की प्रॉब्लम थी, और भाई सर्विस कराई मैंने और उसमें स्मोक निकल रहा है। मेरे को समझ नहीं आया, इतने महंगे 5,000 लग गए और भाई उन्होंने सर्विस क्या की है, मेरे को समझ नहीं आता। और भाई इसका सेल्फ नहीं चल रहा था, तो उन्होंने वो भी पता नहीं कितने रुपए का वो डाला था कि चल जाएगा। वो डालने के बाद भाई उस एक दो दिन चला, उसके बाद दोबारा से नहीं चला। वो मतलब काम ऐसे करते हैं भाई, क्या बोलूँ उनको। सर्विस सेंटर में बंदा क्यों जाता है? इसलिए जाता है कि वो काम ढंग का करें, नहीं तो भाई बंदा बाहर से भी करा सकता है, पर नहीं भाई काम ऐसे ही करेंगे नकली सा। अब भाई ये है कि जाता हूँ उनके पास, अब देखते हैं भाई। सर्विस चार्ज तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि भाई पहले दे चुके हम, तो अब तो दूंगा नहीं। देखते हैं, बात करते हैं क्या होता है। बाकी भाई एंड में आपको मैं बताऊंगा कि पूरी स्टोरी क्या है इसकी। तो भाई ये सेंसर है, वो ये भाई हो कह रहा है भाई, ये हीट बहुत मार रही है, ओवर हीट कर रही है यहाँ पर। जैसे अभी लगा के दिखाता हूँ आपको मैं, ये सिग्नल आ रहे हैं ना भाई, ये तभी आता है जब भाई गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो। तो ये भाई यार शुरू से आ रहा था, मतलब गाड़ी के परचेज करने के बाद 2-3 महीने बाद आ गया था। तो मैंने सर्विस सेंटर दिखाया, तो वो कह रहे थे भाई ऐसी नॉर्मल प्रॉब्लम है, ये सेंसर की प्रॉब्लम थी इस वाले सेंसर की। तो कह रहे इसे इतना कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें भाई, पर अब जाके भाई ओवर हीट मारने लगी है। तो वही है सीन, और उस समय भाई ये वारंटी में भी थी। ये स्मोक कर रही है बहुत ज़्यादा। दूसरी प्रॉब्लम इसकी है कि स्मोक कर रही है बहुत सही है। पता नहीं कैमरा नोटिस कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा, बस ब्लैक कलर का स्मोक फेंक रही है। और बाकी भाई ये इसके सेल्फ की प्रॉब्लम थी देखो, और सेल्फ ले इन्होंने ये देखो न्यूट्रन में, और सेल्फ ले इन्होंने पता नहीं यहाँ क्या डाला था, उसके पैसे ले गए थे, और भाई कुछ नहीं काम कर रहा सेल्फ। तो भाई शोर आ रहा होगा बहुत काफ़ी यार। तो भाई आ गया यहाँ सर्विस सेंटर, तो अभी लगा दिया मैंने, और भाई मैनेजर से इनके बात की है, तो काफ़ी हेल्प किया भाई उन्होंने, उनसे बात किया मैंने ढंग से। तो भाई वो 400 मैं दूंगा नहीं, देखो मैं पहले जनरल चेकअप के चार्ज दे चुका हूँ, पता नहीं कितने लेते हैं, 800-1,000 रुपये लेते हैं सर से, जितने भी लेते हैं भाई मैं दे चुका हूँ। तो उसके तो भाई दूंगा नहीं, मैंने पहले बोल दिया था, उन्होंने ना भी सुन लिया बात। तो खाली जो सेंसर आया उससे भी चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है सेंसर की, देखते हैं अगर वो लग गया, अगर उसके उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ठीक है, उसके मैं पेमेंट कर दूंगा। क्योंकि भाई वो देखो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, वो अपने से भी हो सकती है, और वो इतना बड़ा खर्चा ये लेंगे नहीं। पैसे गलती इनकी है भाई, मानेंगे नहीं, वो दूसरे वाले ओखले वालों की है, उन्होंने भाई उस समय बताए थे तो वारंटी में था तो चेंज हो जाता, अब नहीं बताया तो भाई अब चलेगा ही। अब उसके मैं दे दूंगा पेमेंट, बाकी किसी के दूंगा नहीं मैं। बाकी भाई वो वहाँ पर अभी कर रहे हैं, अभी वो जॉब कार्ड बना रहे हैं, तो जॉब कार्ड बनते हैं और जाती है अंदर सीधा, और जो जो प्रॉब्लम बता दिया मैंने बाकी कह रहे सॉल्व हो जाएगी, देखते हैं फिर भाई जब हो जाती है। तो अंदर भाई तुम्हें पता ही है वीडियो बनाने इतना देते नहीं, और शोर भी बहुत होगा काफ़ी, तो जब निकलती है फिर बताता हूँ आपको। सो गाइस अब आप सोच रहे होंगे भाई एकदम से वहां पर और एकदम से यहाँ पर बीच में हुआ क्या, और मैं यहाँ कैसे आ गया यार। अभी आपने इससे पहले देखा होगा, मैंने बोला कि भाई गाड़ी लग गई है वहां पर और सेंसर वगैरह सब मिल गया, वो सब चेंज हो रहा है अभी। तो यार जब मैं अंदर गया वहां पर, उसमें ऐसे आपको पता ही है शूट करने देते नहीं वो, तो अंदर गया तो मैं देख रहा हूँ वहां पर जाके कि उन्होंने सेंसर वगैरह सब लगा दिया। मैं चलो ठीक है सब हो गया, और पोल्यूशन की प्रॉब्लम थी उनसे सॉल्व हो नहीं रही, पता नहीं क्यों नहीं हो रही भाई, समझ नहीं आया मेरे को। बाकी तब तक पहुंचा था, तब तो बाकी फिर मैंने सोचा सेंसर का जाके पेमेंट कर रहा हूँ कि कितना हुआ है कितना नहीं हुआ, अगर पूछा कितना होता है। तो जैसे मैं वहां पर जाता हूँ, और भाई क्या बोल रहे हैं सेंसर का कितने, तो ये कह रहे 4,500 रुपये। भाई लॉकडाउन से पहले मेरा सेंसर आ चुका था, अब आपको ये पूरी मैं बताता हूँ क्या सीन था, कैमरा सेट कर लो। तो भाई जो पहले व्लॉग देखा वो आपने, जब 5,000 का चोना लग गया वो वाला व्लॉग, तो उसमें मैंने बोला था वो कि मेरे सेंसर ख़राब है, तो मैंने ऑर्डर में लगा दिया है। तो ये ऑर्डर में लग चुका था, वहाँ पर एग्जीक्यूटिव थे उनके, उनसे डील हो गई थी,
तो ये समथिंग 20 दिन में या 25 दिन में आ गया था। वो मैं बार बार फोन कर रहा था, कब आएगा तो आ गया था। और उसके जस्ट बाद जैसे ही वो आया तो मेरे पास टाइम नहीं लग पड़ता जाने का, तो मैंने उनको फोन करके बोला कि आप सेंसर रखो और मैं कल आता हूँ लगाने। तो मैंने जैसे ही बोला तो लॉकडाउन लग गया एज यूजल, आपको पता ही है, तो मैं जा नहीं पाया। तो उसके बाद फिर मैंने उनसे फोन करके पूछा, तो उनके बंदों ने ही मेरे को फोन किया था कि भैया आपका पार्ट आ चुका है और वो हमारे पास सेव रखा है तो आप लगा लेना। तो होता क्या है भाई, अब मैं जाता हूँ लगाने पार्ट, तो देख रहा हूँ उसके 2500 का पार्ट था वो, 2500 या बोलो पता नहीं 2800 का ऐसे कुछ था, मतलब 3000 के अंदर ही था इतना मेरे को पता है। तो क्योंकि खुद ही उन बंदों ने कहा था मेरे को इतने का ही आएगा, क्योंकि मैंने बोला था कि इससे ज्यादा का होगा तो मैं नहीं लगाऊंगा, तो वो कह रहे थे इतने का ही आएगा। तो आ गया था पार्ट, तो मैं लगाने गया फिर, तो अब बता रहे भाई 4500 रुपये, तो एकदम से रेट कैसे बढ़ गए। तो उनसे मैंने इतने मैनेजर से उनके बात की, भाई एक सीन क्या है, जब मेरे को आपका मेरा पार्ट आ गया और मेरे को आपने इतना रेट बताया है, तो ये अब ये कैसे, ये 4500 कैसे हो गया। तो कह रहे सर इतना ही आता है पैकेट, मेरे को बकायदा पैकेट दिखा रहे कि देखो पैकेट ये है, ये इतना ही आता है। और मेरे को ये समझ नहीं आता, जब इतने का आता है तो पहले इन्होंने मेरे को 2500 क्यों बोला, और 2500 भी बोला। और भाई जब चक्कर आ रहा था, मैं गाड़ी अपनी वहां पर काम चल रहा था गाड़ी का, तो उस समय वो क्लासिक का सेंसर ला रहे थे और सेंसर ला कर देख रहे थे, दो तीन मैकेनिक थे वहां पर जो उनके हैं, तो वो चेक कर रहे थे वहां लगा के, तो उनमें क्लासिक का नहीं लग रहा था। और अब ये कह रहे हैं कि इसमें क्लासिक का भी लग जाता है, सब सेम ही होता है, और कोई कह रहा है कि सेम नहीं होता। मेरे को समझ नहीं आता भाई कहना क्या चाह रहे हैं, कोई दूसरा बंदा कुछ कह रहा है और दूसरा बंदा कुछ कह रहा है, क्योंकि उनके बंदा मेरे को लाके बोल रहा है, उनके मैकेनिक से करके बोल रहे कि इसमें क्लासिक का नहीं लगता, इसका स्पेशल स्टैंडर्ड का मंगवाना पड़ेगा। मंगवा भी दिया, फिर आ भी जाता है, फिर वो समथिंग इतने का होता है, फिर मैं अगले दिन आ रहा हूँ तो लॉकडाउन लग गया, उसके बाद में आता तो जैसे जिस चीज में मेरा मतलब मेरा ऑर्डर से वो बन चुके थे, तो किसी और को तो वो देंगे नहीं है। और उसके बाद इनके मैनेजर से मैंने पूछा और वो कह रहा है मेरे 4 साल के करियर में आज तक किसी का सेंसर आया नहीं है, शोरूम में हूँ तो किसी ने ऑर्डर किया नहीं, तो भाई किसी और को तो देंगे नहीं वो वाला जो मेरा ऑर्डर लग चुका है। तो बात यही है कि भाई वेरी डिसअपॉइंटेड विद रॉयल एनफील्ड, सीधी सी बात है, क्योंकि आप स्पैम कर रहे हो, क्या कर रहे हो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। और लगाने में लगा लेता, पर भाई बात यह है कि जब आप इतना बोल रहे हो क्योंकि इसमें लगेगा नहीं, मतलब मैं किसकी बात मानूँ, आप लोग भाई गाड़ी गाड़ी की नॉलेज मेरे से ज्यादा है आप लोगों को, तो आप कभी 2500 बोल रहे हो, 4500 बोल रहे हो, और उसके बाद भी प्रॉब्लम गाड़ी की सोल्व नहीं हो रही, इतने महंगे मैंने वो डलवा लिए, क्या बोलते हैं इसमें सर्विस करवा ली इतनी महंगी, उसके बाद भाई पोल्यूशन भी आ रहा है इसका, और 1 साल की प्रॉब्लम थी उसमें, उन्होंने पता नहीं क्या लगा दिया, एक चीज लगाई थी उससे भी वो प्रॉब्लम नहीं सोल्व हो रही, नट में टाइट कर रहा हूँ घर में आके, तो सर्विस पता नहीं क्या किया, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बाकी ये और उल्टा भाई, और सबसे मेरे को बुरी बात ये लगी कि जितने बंदे थे सामने, बंदे जो वहां खड़े रखे थे वो भाई मुकर के बंदे कह रहे सर हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, और भाई उनके सामने की बात है, और वो खुद ही वो बंदे कह रहे थे कि इसमें क्लासिक का है, इसमें नहीं लगता, स्टैंडर्ड का अलग आता है। और मैंने बोला था कि उनको सबको बोला था मैंने कितने का वो, हाँ जी कह रहे हाँ, और जो वहाँ के बंदे हैं वो चेक करके भी आए थे कंप्यूटर पे कि हाँ इतने का आएगा, और बात इतने का ही आएगा, तो इससे महंगा नहीं आएगा। मैंने अच्छा भाई चलो फिर लगा देना, और बाद में भाई एकदम से इनके रेट बढ़ जाते हैं और सब कुछ बढ़ जाता है। और भाई मैंने वो अभी मैंने बात की तो मेरे को पता लगा 4500 का जो है वो हिमालयन का आता है, तो स्टैंडर्ड का भाई इन्होंने जो क्या रेट बताया मेरे को समझ नहीं आया कुछ। बात है कि गलती नहीं मान रहे, मैंने फिर ज्यादा कुछ बोला नहीं, क्योंकि भाई वो मेरे को लग गया था पता कि जो काम कर रहे थे उनकी जॉब का सीन हो रहा था, फिर तो मैंने ज्यादा कुछ कहा नहीं। तो बाकी ये भाई मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बता रहा हूँ कि भाई भरोसा मत करो, मैं तो सीधा सीधा कहूंगा भरोसा मत करो, अपनी गाड़ी कभी मत छोड़ के जाओ, शोरूम हो कुछ हो भाई, मेरा तो भरोसा सा उठ गया एकदम से, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं भाई, और ना इनको पकड़ में आती है प्रॉब्लम भाई की, मेरे को समझ नहीं आ रहा, इतने काबिल बंदे बैठे इनको प्रॉब्लम ही नहीं सब समझ आती, कहीं बोलता कुछ ये अबे इतनी बार गाड़ी मेरी घुट चुकी है, इतनी बार सब कुछ हो गया, इनको प्रॉब्लम ही नहीं पकड़ने होती कि क्या प्रॉब्लम है इसकी। और अब मेरे को बंदे बोल रहे हैं कि आज तक अभी धुआं नहीं मारा, कह रहे इतना छोटा छोटा धुआं आता है BS4 है, इतना छोटा छोटा धुआं, यार यार BS4 बनी किस लिए, पोल्यूशन कम हो, तो ये कह रहे हैं हाँ भाई छोटा छोटा धुआं आता है इसमें, अच्छा आज तक तो आया नहीं। तो बाकी इस वीडियो को बनाने का पीछे मेरा कि ज्यादा वीडियो बड़ी भी हो रही होगी आप देखोगे नहीं, कि भाई जा रहे हो कहीं भी जा रहे हो तो इनको में भरोसा मत करो, अपने वहां से बाइक देखा करो, और कोई भी बात होती है इनसे, कोई वीडियो होता है रिकॉर्डिंग रखा करो अपने पास उसकी, मैंने गलती कर दी भरोसा कर लिया, तो भैया अपना रिकॉर्डिंग रखा करो, अपना सबूत रखा करो, सारा सबूत तो मेरे पास खैर अभी भी है, पर क्या बोलना, मैंने बोला चलो छोड़ो आप मेरे को, मेरी बाइक पैक कर दो मैं ले आता हूँ, सब जोड़ जाड़ दो पुर्जे वगैरह। और भाई अभी कुछ दिन पहले की बात है, एलन की नहीं होते टाइटने वाली, वो भाई टैंकी के नीचे से निकाली, देखो इनका एलन की भूल गए बंदे वहां पर, तो वही है भाई पता नहीं काम क्या कर रहे हैं, मेरे को तो भाई बिल्कुल मजा नहीं आया इनके काम से,
तो बाकी ये भाई आपको ये भी समझाना चाह रहा हूँ, अगर चाहे आपकी नई बाइक है चाहे आपकी पुरानी बाइक है चाहे आप सर्विस करा रहे हो बहुत टाइम से, फिर भी भाई भरोसा किसी मत करो और हर रिकॉर्डिंग और हर प्रूफ रखा करो अपने पास, ताकि बाद में आप इसको बोल सको। क्योंकि भाई हम कर जाते हैं बंदे बिल्कुल ही सारे मिलके कि हमने नहीं किया हमने नहीं किया, तो अपनी गलती मानते नहीं है। तो बस यही है भाई, वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तो मैंने सोचा, पहले बहुत सोचा था कि डालू नहीं डालू, फिर मैंने डाल ही देता हूँ भाई, आप तक बात पहुंचनी चाहिए जो रॉयल एनफील्ड वाले यूज करते हैं कि भाई सर्विस सेंटर में ये सीन हो रहा है। तो बाकी यही है भाई, वीडियो कैसे लगे लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना और लोगों तक तो ये बात पहुंचाना भाई, और आप भी अपना ध्यान रखना कि ऐसे आपके पास स्कैम ना हो आपके साथ। तो मिलते हैं भाई आपको नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए भाई मौज लो, नहीं मिल तो खोज लो, और खोज लो जरूर, और भाई 20 से